दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का शनिवार को शानदार आगाज हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च की। इंडियन मोबाइल कांग्रेस प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। आज क्या हलचल है ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मोहिनी भदौरिया। बताइए मोहिनी, क्या हाल है आज दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5G लॉन्च किया और देश का एक ऐतिहासिक दिन था, और आज दूसरे दिन किस तरह की हलचल देख रही हैं आप वहां? जी, इस वक्त हम इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में हैं, जो कि प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कई कंपनीज अपनी 5G से जुड़ी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो लॉन्च कर रही हैं। आइए हम बताते हैं आपको, एक 5G यहाँ पे रिमोट ड्राइविंग को लेकर लॉन्चिंग की गई है, जिसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी टेस्टिंग की है। हम आपको इस डिवाइस के पास लेके चलते हैं। ये यहाँ से इंडिया से कंट्रोल होकर स्वीडन में जाके इसकी रिमोटली कंट्रोलिंग होती है। यहाँ पे हम इनसे बात करके पूछेंगे कि इसके क्या रोल आउट होता है। इसका बेसिकली क्या रोल आउट है, मतलब क्या रोल है इसका? मैम, बेसिकली अभी हम यहाँ से इंडिया से बैठ के स्वीडन के अंदर एक कार ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कार है वो कनेक्टेड है एक 5G नेटवर्क से। स्वीडन के अंदर वी हैव 5G नेटवर्क, सो वी आर ट्राइंग टू ड्राइव दैट कार इन स्वीडन फ्रॉम हियर। जी, तो इसका पूरा काम ये है कि अगर यहाँ पे बैठा जो भी आदमी है वो इंसान यहाँ से स्वीडन में अपनी कार को रिमोटली ड्राइव कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल आपसे ये होगा कि क्या कुछ और वहां पर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अभी तो आपने दिखाया कि एक शख्स यहां पर बैठ के 5G की सुविधा को उठाते हुए स्वीडन में कार चला सकता है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस कार को चलाया। इसके अलावा और 5G के क्या इक्विपमेंट्स हैं, 5G के क्या अपडेट्स हैं वहां पर, कि आने वाले समय में जो आम आदमी जब 5G यूज करेगा तो वो किस तरह की सुविधाएं, किस तरह के फायदे ले पाएगा? सर, इसके अलावा एयरटेल भी अपना 5G लॉन्च कर रहा है, तो इसमें कंज्यूमर्स को जो पहले प्लान्स बहुत महंगे पड़ते थे 1 GB के लिए, उसके लिए अब उनको सिर्फ जैसे पहले 100 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब 10 रुपये में ही ये 1 GB प्लान खरीदा जा सकेगा। साथ ही यहाँ पे जियो से लेकर कई कंपनियों ने अपने 5G लॉन्च में लेकर डिवाइसेज जैसे VR, मेटावर्स, इन सब को लेकर डिवाइसेज लॉन्च किए हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मोहिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दूसरे दिन की ये झलक दिखाने